प्यारे बच्चों, अभी तक आपने देखा कि लंचो, जिसकी फसल नष्ट हो चुकी थी और ईश्वर से उसे मदद की उम्मीद थी, तो उसने एक पत्र लिखा और जा करके पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। और उस पत्र को पोस्टमैन पाते ही तुरंत मास्टर के पास ले जाता है और उन्हें भी वो पत्र दिखाता है और दोनों हंसने लगते हैं। अब आगे, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। अब पोस्टमास्टर देखिए क्या कहता है, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी भी इच्छा है कि आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, उस व्यक्ति की तरह मेरा भी ईश्वर में विश्वास बन जाए। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और वो क्या विश्वास, कि ईश्वर के साथ करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार। पत्राचार का मतलब क्या होता है, कि पत्रों का आदान प्रदान, पत्र का देना लेना। तो मेरी भी इच्छा है कि इस व्यक्ति की तरह मेरा भी विश्वास ईश्वर में बन जाए और मैं भी ईश्वर के साथ पत्राचार करने लगूं, पत्रों का आदान प्रदान करने लगूं। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसलिए लेखक का ईश्वर में विश्वास न डिगने पाए, न कमजोर पड़ने पाए, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, और वो विचार क्या था, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देना। बट व्हेन ही ओपन्ड इट, जब उसने पत्र खोला, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था, एविडेंट मीन्स क्लियर, ये स्पष्ट था, क्लियर था कि दैट टू आंसर इट, कि उत्तर देने के स्थान पर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि उसे उत्तर देने की जगह पर सद्भावना, स्याही और कागज की अपेक्षा उसे कुछ और चीज की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन दृढ़ निश्चय, किंतु वह दृढ़ निश्चयी रहा, अर्थात अपने निश्चय पर अटल रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर्क ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने अपने एम्प्लॉयज से, अपने कर्मचारियों से पैसे की मदद ली। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का भी उसने स्वयं भी एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत से मित्र, वर्क ऑब्लिज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। इस दान पूर्ण कार्य में, चैरिटी मींस दान, इस दान पूर्ण कार्य में उसके कई मित्रों ने भी सहयोग दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसेस, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। यह असंभव था उसके लिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था कि टू गैदर इकट्ठा कर पाना, क्या टूगेदर एक साथ द 100 पीसेस, उसके लिए एक साथ 100 पीसेस को इकट्ठा कर पाना असंभव था। सो ही वॉज एबल, इसलिए वो सफल हो पाया, समर्थ हो पाया, क्या टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, फार्मर को आधे से केवल थोड़ा ज्यादा ही देने में सफल हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लंचो एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉट। उसने पैसे को एनवेलप लिफाफे में रखा, एड्रेस्ड टू लंचो, लंचो का उसके ऊपर पता लिखा, एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग, और उस लिफाफे के अंदर उसने एकमात्र पत्र रखा जिसमें के एकमात्र सिंगल वर्ड लिखा था, एज अ सिग्नेचर गॉड, ईश्वर के सिग्नेचर के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में केवल गॉड लिखा हुआ था। द फॉलोइंग संडे लंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार लंचो हमेशा से थोड़ा जल्दी है, बिट थोड़ा, अर्लियर जल्दी, थोड़ा जल्दी आ गया टू आस्क, ये पूछने के लिए कि इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने स्वयं उसे पत्र दिया। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन,
कंटेंटमेंट संतोष की सांस लेना, सेटिस्फैक्शन की सांस लेना, एक्सपीरियंस अनुभव करना, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डे। जबकि पोस्ट मास्टर उसने सोचा कि उसने तो एक बहुत अच्छा कार्य किया है, इस अच्छे कार्य को करके संतोष का अनुभव कर रहा था कि उसके द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोर वे ऑफिस और अपने ऑफिस से बैठ करके ही दरवाजे से ये सब कुछ वह देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य इस पैसे को देख करके नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो नाराज हो गया जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नो कुड। उसने क्या कहा कि ईश्वर मदद ये गलती नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि लेंचो ने उनसे जिस चीज़ की डिमांड की है, जो चीज़ उनसे रिक्वेस्ट किया है, मांगा है, उसको वो देने से डिनाई नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं। इमीजिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया और कागज और स्याही मांगा। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. सार्वजनिक जो लिखने वाली मेज थी वहाँ पर वो बैठ करके लिखने लगा। With much wrinkling of his brow, और अपने eyebrows को भौहों को wrinkle करना मतलब सिकोड़ना कभी फैलाना, इस तरह से करने लगा। Caused by the effort he had to make to express his ideas, और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वो अपने विचारों को जो उसके मन में आ रहे थे उनको वो स्पष्ट कर रहा था, प्रकट कर रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब उसने समाप्त कर लिया तो खिड़की के पास गया, एक टिकट खरीदा, which he licked, जिसको उसने लिक्ड यानी थूक से गीला किया। And then affixed to the envelope with a blow of his fist. Fist मतलब होता मुट्ठी, blow मतलब प्रहार। मुट्ठी के प्रहार से उसने उस टिकट को लिफाफे के ऊपर अफिक्स कर दिया, चिपका दिया। The moment that the letter fell into the mailbox, उसी क्षण उस पत्र को डाक पेटी में डाल दिया। The postmaster went to open it. Postmaster गया और उस पत्र को खोल लिया। It said, उसमें लिखा था, God, भगवान, of the money that I asked for, वो पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, only 70 pesos reached me, मेरे पास केवल 70 pesos ही पहुँचे हैं, send me the rest, मुझे बाकी भी भेजो, rest मतलब शेष बचा हुआ, मुझे शेष जो बचा हुआ पैसा है वो भी भेजो, since, चूंकि I need it very much, चूंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, but don't send it to me through the mail, लेकिन इसे मेल से डाक से मत भेजिएगा, बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, वो सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों का समूह हैं। लेंचो, और अंत में लिख दिया लेंचो।